बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द शो हैव अ गुड फूड। आज मैं आपको फ्रूट कस्टर्ड बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। मिल्क चाहिए होगा आपको 2 कप के जितना, कस्टर्ड पाउडर आपको चाहिए होगा, साथ में जेली पाउडर चाहिए होगा 2 अदद आपको बनाना चाहिए होंगे, चीनी चाहिए होगी, साथ में केक चाहिए होगा आपको। नाउ लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। सबसे पहले मैं यहाँ पर जेली बना लूँगी, क्योंकि जेली आपको सेट करनी पड़ती है। 1 कप के जितना पानी ऐड कर लिया है, पानी में बॉयल आ चुका है, अब इसमें जेली पाउडर में ऐड कर लूँगी। जेली हमारी बन गई है, अब हम इसको पोर कर देंगे। जहाँ पे 2 कप के जितना हम मिल्क ऐड करेंगे, हाफ कप हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। जब तक हमारे मिल्क में बॉयल आता तब तक हम कस्टर्ड पाउडर में मिल्क ऐड कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे मिल्क हमारा जो है वो बॉयल हो गया है, अब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे हमारा कस्टर्ड जो है वो बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। कस्टर्ड को यहाँ पे हम ठंडा कर लेंगे, अपने गर्म पोर नहीं करना है। मेरे पास कुकीज कटर है, इसकी मदद से मैं इसको काट लूंगी। ये स्टार शेप में आएगा। यहाँ पे स्टार्स जो थे जेली के वो हमने अलग कर लिए हैं। इसी तरह हम जो दूसरी जेली है उसको भी कट कर लेंगे। यहाँ पे कस्टर्ड को हम पोर कर लेंगे। स्पैचुला की मदद से इसको सेट करेंगे। इसके बाद इसमें हम केक लगा लेंगे। ब्रश की मदद से इस पे दूध लगा लेंगे, नहीं तो ये बहुत ही ड्राई रह जाएगा। इसके बाद हम दोबारा से इस पे कस्टर्ड पोर करेंगे। हम बनाना की लेयर लगा लेंगे इस पे। यहाँ पे हम इसमें ऐड कर लेंगे रेड जेली। ग्रीन जेली भी जो बच गई थी, हमने स्टार कट किए थे, वो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। कुकीज कटर की मदद से जो स्टार हमने कट किए थे वो हम ऐड कर लेंगे। Thanks for watching the video.